अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अब 40% आबादी वाले पिछड़े गरीब क्षेत्रों में भी अब धन आवंटित कर वहां का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के ऐसे काफी से पिछड़े इलाके हैं जहां सरकार की योजनाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिससे वहां का विकास भी नहीं हो पा रहा था। अब राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में 40% आबादी वाले गांवों को भी बजट देने की नई योजना बनाई है, जिससे अब प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक का फायदा मिल सकेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ऐसा होता है कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में विकास करने के लिए भारतीय संविधान में एक धाराएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि उन पिछड़े गरीब क्षेत्रों के लोगों के आर्थिकी विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जो न्याय की उपलब्धता है उसके लिए, उनके बहुमुखी विकास के लिए SCP का फंड रिलीज किया जाता है। और इसमें देखा गया प्राय है कि जितने भी एस्टिमेट पास किए जाते हैं, उन एस्टिमेटों का जो मेन आधार होता है वो जनसंख्या होता है। अभी गवर्नमेंट ने एक नया GO पास किया है कि 40% आबादी जिस गांव में होगी वहां भी इन चहुमुखी विकास कार्यों को बजट आवंटित किया जाएगा।